हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने सदिश के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन सदिश से कल अपन ने परिणामी निकाल लिया था। दो सदिश आपके P और Q, उनका ग्रेडिएंट क्या है R। तो सदिश R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसके बारे में अपन ने कल बात कर ली थी। इसके अंदर अपन अलग अलग रेडिंग के बारे में अपन ने जाना। इसके अंदर अपन ने तीन केस पढ़े थे। एक आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और एक आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के अंदर जो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी पी प्लस क्यू आएगी। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के केस में जो आपका रिजल्टेंट आया था वो मिनिमम आया था और वो कितना आया था पी माइनस। ये अपन तीनों बात इसके अंदर कर लेते हैं। अब कभी कभी वो आपसे कौन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता बेटा कौन, कि जो सदिश आपने जो परिणामी निकाला है वो पी से कितना कोण बना रहा है, टू से कितना कोण बना रहा है, तो कोण निकालने के लिए आज अपन बात करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं अपन एंगल की। ये बात अपन एंगल कर ली थी। एंगल की कैलकुलेशन करने के अंदर अपन किस बात का ध्यान रखेंगे, एंगल की कैलकुलेशन के अंदर अपन ये आपका लेटर टी हो गया, ये आपका लेटर क्यू हो गया और ये इसका रिजल्टेंट आपने निकाला था, ये आपका रिजल्टेंट हो गया इसका। इसको अपन ने आगे बढ़ाया था, इससे यहाँ पे अपने लंब डाला, ये आपका थीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका आएगा क्यू साइन थीटा और इसकी वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई थी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, आपसे अल्फा का मान पूछता है कि हमें अल्फा का मान फाइंड आउट करके बताइए कि कोई भी जो परिणामी है, ठीक है, वो कि दिए गए सदिश से कितनी डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा, अगर अपन टेन अल्फा की बात करें तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। लंब इसके क्या है, इसके अंदर क्यू साइन थीटा और आधार क्या है आपका टोटल आधार ये होगा, कितनी दूरी तो पी है और बाकी की दूरी क्या है क्यू, पी प्लस क्यू कोस थीटा। यहाँ से आपके जो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आती है वो टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो इस टाइप से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अल्फा का मान अगर पूछता है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अल्फा है क्या, परिणामी सदिश के द्वारा बनाया गया कोण, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से अगर आप देख रहे हो तो ये कोण कौन से एक्सिस से बन रहा है, एक्स एक्सिस से। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगर बात करते हैं नई रीडिंग की, तो आज आपकी जो इम्पोर्टेंट रीडिंग रहने वाली है वो है सदिशों का वियोजक। क्या है, सदिशों का सदिशों को अपन घटकों में विभाजित करेंगे। अब देखो कितने घटक हो सकते हैं, अगर द्विविमीय सदिश है तो उसके घटक दो हो सकते हैं, अगर त्रिविमीय सदिश है तो उसके घटक कितने होंगे, तीन होंगे, और अगर एक रेखा के अनुसार को कोई भी सदिश दिया हुआ है तो उसको घटकों में वियोजित करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखेंगे, यह आपका y कोऑर्डिनेट एक्सिस और यह आपका एक्स एक्सिस। एक आपको सदिश किस प्रकार से दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है a और ये इस एक्सिस से q
इतना कौन बना रहे ठीक है बेटा। x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है ax और y डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है a y ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपको घटकों में विभाजित करने के लिए मिलेगा तो पर ध्यान से देखें बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। अब देखें ये आपका क्या है रिजल्टेंट है इसको आपको अगर इनको एक बार आप सही से बता दो तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है। x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है ax वेक्टर y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है ay वेक्टर। अब ध्यान से देखेंगे जो आपका सदिश a है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा कि नहीं होगा ax प्लस ay कैसे सर समझ नहीं आया सर कैसे होगा दोनों के एडिशन के बराबर तो अभी आपको समझ आएगा। तो ये पहला सदिश है वो इधर है ठीक है हम इसको बनाते हैं यहाँ पे ये आपका सदिश हो गया ax ये जो आपका सदिश है वो आपका कितना है a1 क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित कर सकते हैं लेकिन उस सदिश का परिमाण और दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए ठीक है। तो इस सदिश का देखो आपने इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसका न तो दिशा बदली और न ही परिमाण बदल रहे और इनका जो रिजल्टेंट ए है ए आपका इस डायरेक्शन में तो त्रिभुज योग क्या बोलता है यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को विभाजित करती है तो तीसरी भुजा तीन क्रम में उनके योग के बराबर होती है। तो ये देखो वेक्टर a इक्वल टू ax और ay कोई प्रॉब्लम याद है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर a इक्वल टू ax x कौन सी डायरेक्शन में है i कैप में इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ax i k ay बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर अपन स्पेशल लिखना चाहेंगे तो अपन स्पेशल भी लिख सकते हैं। अब हमें ax और ay की वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है वैल्यू तो ध्यान से देखेंगे इसी ट्रायंगल के अंदर या अपन एक अलग ट्रायंगल बनाते हैं ये कोण आपको दे रहे हैं थीटा इसकी वैल्यू हमें पता है ए एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास ए है इसकी वैल्यू हमारे पास ए वाई है हमें ए एक्स और ए वाई का फाइंड आउट करना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं कंपोनेंट में डिवाइड करना ठीक है। अब ध्यान से देखना हमें क्या पता है करण पता है और हमें आधार निकालना है तो आधार और करण में रिलेशन कौन लेता है cos थीटा तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे करण आधार कितना है ax करण कितना है a तो ax इक्वल टू कितना आ जाएगा a cos थीटा आ जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है। और इसी प्रकार अगर हमें ay का मान निकालना है तो ay आपके पास क्या है लंब और ये क्या है करण लंब और करण में रिलेशन हमें कौन देता है sin थीटा तो sin थीटा किससे इक्वल आ जाएगा ए वाई अपॉन ए ए वाई का मान यहाँ से कनेक्ट करके आएगा ए साइन तो देखो ध्यान से ए का मान भी हमसे निकल के आ गया और ए वाई का मान से भी हमने निकाल दिया। तो अपन एक बार जैसे सीधी सी बोल सकते हैं कि कल भी अपन ये कंपोनेंट निकाले थे कि जिस लाइन पे थीटा टिका हुआ रहता है उस लाइन पे हमेशा कोस थीटा का कंपोनेंट आता है और उसके लंबवत हमेशा किसका कंपोनेंट आता है साइन थीटा। अगर अपन ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा ए वाई अपॉन एस ए से ए कैंसिल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा ए वाई अपॉन ए एस के यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाता है टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एस ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
सबसे पहले अपन ने इसको किसमें डिवाइड कर लिया, कंपोनेंट। तो ये तो आपको दो कंपोनेंट आ गए, तो ये उस एंगल का मान आ गया जो आपको निकालना है। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए वाई किसका गुणांक है, जे केप का। तो जे केप का गुणांक कौन, आई केप का गुणांक। आपको एक द्विध्रुवीय सदिश देगा और जब आपसे कोण पूछे कि एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, तो आप क्या करोगे, जे केप का गुणांक कौन, आई केप का गुणांक कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। आपको जब भी कोई दो सदिश दे, तो दोनों सदिश देने के बाद में आपसे क्या पूछे, उसका परिणाम ही पूछे या अलग अलग कंपोनेंट पूछे, तो कोई भी आपको सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए, उसका एक्स डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट है वो कितना है ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है वो कितना है ए वाई। तो क्या हम सदिश ए को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कौन से नियम से, त्रिभुज योग नियम से। कौन से नियम से, त्रिभुज योग नियम से। त्रिभुज योग नियम क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। तो ये भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है x डायरेक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y के से, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ax y के, और y डायरेक्शन में ay z के। ओके बेटा, अब मैंने इसी डायग्राम को यहां से उठा के यहां बनाया, क्योंकि मेरे को ax और ay का मान निकालना है। हमें क्या-क्या गिवन है, ये थीटा गिवन है और ये करंट गिवन है। तो देखो बेटा, आधार हमें निकालना है, तो आधार निकालना है तो आधार और करंट में रिलेशन कौन देता है, cos थीटा। तो यहां से अपन ने cos थीटा की वैल्यू निकाली ax / a, a से इधर बन गया इधर ax = a cos थीटा। इसी प्रकार ay = a * sin थीटा। अगर हमें कोण निकालने के लिए बोले तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में किसका भाग दे देंगे, समीकरण नंबर 1 का। यहां से आपके पास निकल जाएगा tan थीटा = ay / ax, और थीटा = tan इनवर्स ay / ax। यदि आपको द्विध्रुवीय सदिश दिया हुआ हो और आपसे x अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण पूछे, तो आप क्या कर दोगे, j का गुणांक कोण y का गुणांक। ये अपन ने बहुत पहले पढ़ लिया। ओके बेटा, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपसे बोले कि a का परिणामी निकाल के बताओ, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते थे, वेक्टर a = ax + ij + ay jk। अगर अपने को बोलता कि इसका a का मान निकाल के बताओ आप कितना है, तो सबसे पहले अगर हमें परिणामी निकालना है तो दो सदिश आपको गिवन है ax और ay। ए एक्स कौन सी दिशा में है, एक्स दिशा में, और ए वाई कौन सी दिशा में है, वाई दिशा में। तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का केस होता है तो जो परिणामी आता है वो कितना आता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये तो आता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ से लिए तो आपका पहला मेथड है कि आप डायरेक्ट कोण की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आप कोण की सहायता से नहीं निकालना चाहे तो यहाँ से निकालना चाहे, तो अपन यहाँ से क्या देखेंगे, जो सदिश ए का जो परिमाण है वो किसके बराबर आएगा, आई के गुणांक का स्क्वेयर ए एक्स का स्क्वेयर और जे के गुणांक का स्क्वेयर। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई के गुणांक का स्क्वेयर और जे के गुणांक का स्क्वेयर। इस तरीके से भी अपन इसका परिणामी निकाल सकते हैं। और जो तीसरा हमारे पास केस है, कोई बच्चा बोले सर ऐसे भी नहीं निकालना चाहते, तो अपन क्या करेंगे, दो मेथड आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तीसरा देखो, जो ये आपको समीकरण है ये वाली और ये वाली, इन दोनों को स्क्वेयर करके जोड़ दें, अगर इन स्क्वेयर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई। ये तो बनेगा, ए स्क्वायर क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी,
एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये भी आपका तीसरा मेथड हो गया जिससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई भी जो दी गई है सदिस में अगर आप किसी भी सदिस को विभाजित करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई ए प्लस ए वाई जे ए, और ए जो तो दी गई नहीं है तो दो ही कंपोनेंट आएंगे। अगर थ्री लीनियर हो जाता तो कितने कंपोनेंट में डिजोल्व करते थे, तीन, और उनका परिणाम ही निकालना पड़े। इस तरीके से कुछ उसका परिणाम ही निकाल सकते हैं। और अगर कौन निकालना पड़े तो जे के का गुणा का कौन आई के का गुणा, ये सारी चीज़ें आपके स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया हो तो वन, तो जे के एफ के गुणांक में
आई कैप का जो गुणांक है उसे क्या दे देते दे? भाग देते दे, उसको किसके बराबर रख देते टेन थीटा के बराबर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका खत्म हो गया इस लेक्चर का। अब इसके ऊपर सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सदिशों का जो गुणनफल है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सदिशों का दो प्रकार का गुणनफल होता है, एक तो होता है सदिश गुणनफल और एक होता है अदिश गुणनफल। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है दो प्रकार के गुणनफल रहेंगे आपके, एक सदिश और दूसरा अदिश। अभी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में आपको मैं दे देता हूँ। दो प्रकार के गुणनफल आपके होते हैं, एक कौन सा होता है सदिश गुणनफल और दूसरा कौन सा होता है अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल ऐसा गुणनफल होता है जिसमें गुणनफल करने के बाद में जो हमें राशि मिलती है वो कैसी मिलेगी, सदिश राशि, यानी उसकी दिशा होती है। ठीक है, अदिश गुणनफल ऐसा गुणनफल होता है जिसमें राशियों का गुणनफल करने के बाद में हमें जो राशि मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, अदिश राशि। पहले दिन हमने दो राशियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जितनी सदिश और अदिश, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी दिशा होती है वो कौन सी होती है सदिश, और ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी दिशा नहीं होती वो कौन सी होती है अदिश। अगर हमने गुणा करने के बाद में जो मिलने वाली जो राशि है वो कौन सी है, सदिश राशि मिल रही है। अगर हमने गुणा किया तो गुणा करने के बाद में जो हमें राशि प्राप्त हुई है वो अगर सदिश है तो इसका मतलब वो कौन सा गुणा है, सदिश गुणनफल। और अगर हमें गुणा करने के बाद में जो राशि प्राप्त होती है वो अगर अदिश है तो इसका मतलब वो कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। तो कल अपने दोनों गुणनफल के बारे में पहले आज के लिए इतना ही रखते हैं।